बदनावर क्षेत्र से आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्कॉट विभाग इंदौर संजीव दुबे को मुखबिर की सूचना पर धार आबकारी सहायक आयुक्त नागेश्वर संकेश्वरी के नेतृत्व में करोड़ों रुपए अवैध शराब से भरे दो कंटेनर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उक्त शराब ट्रक में भरकर पंजाब की ओर से झाबुआ अलीराजपुर की ओर किसी मुकाम सिंह नाम के आदमी के पास ले जाना बताया जा रहा था। जब्त की गई अवैध शराब की कुल 2400 पेटी बताई जा रही है। वहीं गाड़ियों में कोई कागजात नहीं मिलने के बाद उक्त कार्रवाई की गई। दबंग न्यूज के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़ा सनसनीखेज मामला है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह था। अभी हमने जिसको पकड़ा सुशील कंसाना, ये फ्लाइट से आया था, ये आगरा का रहने वाला है, इसकी आईडी से डिटेक्ट हो गई है। और ये वहाँ पे मिस्टर परमजीत करके कहें जिसको हम डिटेक्ट करेंगे, उससे हरियाणा और पंजाब से गाड़ियाँ भरवाता था। और गाड़ियाँ भरने के बाद फिर यहाँ इंदौर में पार्टियाँ से कॉन्टेक्ट करता था। और कुछ लोग, एक आदमी धार का है और एक आदमी मुकाम सिंह अलराजपुर का है, इसको मैं जानता भी हूँ, जो ब्लैकर है, क्योंकि मैं 4 साल अलराजपुर रहा हूँ। और वो लोग गाड़ियाँ बुलवाते थे और फिर गाड़ियाँ गुजरात में जाती थी। और काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, हमारे स्टाफ के लोग लगे हुए थे, हमारे जो मंडलोई हैं कुक्षी में, ईडीओ हैं, उनके पास भी खबर थी। और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर संजीव दुबे साहब फ्लाइंग स्क्वाड में, उनके पास खबर थी, लेकिन संजीव दुबे साहब ने इसको डिटेन कर लिया और फिर ज्वाइंट दबिश में ये कार्रवाई संपन्न हुई। सर, इसमें अभी कितने लोग पकड़ा? इसमें टोटल 6 लोग पकड़ाए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा कैरियर पकड़ाते थे, बेचारे गरीब ड्राइवर पकड़ाते थे, इस बार मेन लोग पकड़ाए हुए हैं। और जिससे हम जो माल भेजने वाले हैं उन तक हम पहुँच पाएंगे। नहीं, चुनाव से इसका मुझे इसलिए लेने नहीं लगता कि ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताऊँ। यदि 8 गाड़ी निकली होंगी तो ये 2 गाड़ी पकड़ाई हैं। और ये इनका ये इस टाइप के स्मगलर हैं कि इनका अंतर्राज्यीय काम है, चुनाव से कोई लेन देना नहीं है, ये रूटीन में काम करते हैं और आगे गुजरात भेजते हैं। 1000 पेटी शराब है दोनों में, और कम से कम इनकी कीमत जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का मिला के मतलब 2 करोड़ रुपए के आसपास है।